आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आई आई के बारे में। हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारा। अगर हम लोग देखें आई में, तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी समझ लेते हैं। ठीक, आई बॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर 70 ml वॉल्यूम इसका होता है। टोटल वॉल्यूम जो होता है 70 ml होता है। ठीक, और हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी समझ लेते हैं इसमें। अगर हम लोग आई में देखें, ये आई लैशेस होते हैं। ठीक, और इसके सेंटर पे बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है बेटा कॉर्निया। ठीक, अब ये कॉर्निया जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। इसी कॉर्निया के अंदर अगर हम लोग देखें, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर अलग अलग होता है, वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर स्मॉल होल होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। ठीक, प्यूपिल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट रेटिना पे फोकस होगी, ये प्यूपिल इसके फंक्शन को मेंटेन करता है, कितनी अमाउंट ऑफ रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। अब इसमें क्या होता है कि अगर लाइट एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक, और डिम लाइट में इसका बेटा डायलेशन हो जाता है। ठीक, कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, और डायलेशन को हम लोग बोलते हैं मिड रियासिस। ठीक, कॉज ऑफ मियोसिस एंड मिडियासिस बहुत सारे हैं, उसमें हम जा नहीं रहे हैं। अब ये जो वाइट वाइट पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, बिल्कुल वाइट वाइट पोर्शन जो हमें दिखता है इसका नाम होता है कंजक्टाइवा। और कंजक्टाइवा इज अ मिम्ब्रेन। कंजक्टाइवा ऊपर की मिम्ब्रेन है, उसके अंदर अगर हम लोग देखें कंजक्टाइवा को हटा के तो हमें स्क्लेरा दिखेगी। क्या दिखेगी बेटा? स्क्लेरा हमें दिखेगी, बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले ये समझिए कि यानी ये जो पोर्शन है बेटा, ये प्यूपिल, पूरा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है कॉर्निया, ये आई के ऊपर एक लेयर है कंजक्टाइवा नाम है, उसके अंदर लेयर हटाएंगे तो हमें स्क्लेरा दिखेगा, और इसी के अंदर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है आयरिस। पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है आयरिस, यानी यही आयरिस जो है ये हमारी आँखों को कलर प्रोवाइड करता है। अब मोस्टली जो हमारी आँखें होती हैं ये ब्लैक होती हैं, इसलिए क्योंकि ब्लैक कलर इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट, तो नेचर ने हमारी जो आँखों को बनाया था ब्लैक बनाया था मोस्टली। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो है इम्पॉर्टेंट एनाटॉमी इसकी और हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसका नाम होता है कॉर्निया।
ये कॉर्निया है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स नेचुरली प्रेजेंट होता है जो लेंस होता है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है जिसका वेट होता है 135 mg बर्थ पे। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये 235 mg का हो जाता है। ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने ये बनाया था इसी में स्मॉल होल होता है, ये इसका नाम होता है बेटा प्यूपिल। यानी ये प्यूपिल डिसाइड करता है कितने अमाउंट की लाइट अंदर जाएगी। ठीक, अब ये जो लेंस होता है अगर हम इसका स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो समझिएगा इसके अंदर अगर हम लोग देखें तीन लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है उसका नाम होता है स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, मिडिल लेयर जो होती है उसका नाम होता है कोरोइड, और इनर लेयर जो होती है इसका नाम होता है रेटिना। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर है थिक होगी, अगर स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर, थिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी आंखों को। कोरोइड इज अ मिडिल लेयर, कंटेन ब्लड वेसल एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एंड इनर मोस्ट लेयर रेटिना इमेज फॉर्मेशन अकर। ठीक, अब यही अगर हम लोग चलें पीछे से यानी पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये पार्ट कैसा हो गया पोस्टीरियर। अगर हम लोग पोस्टीरियर टू एंटीरियर चलते हैं तो पोस्टीरियरली ये जो होती है थिक होती है, कैसी होती है थिक, लेकिन आगे आते 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 ये थिन स्ट्रक्चर हो जाता है। थिन स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, थिन स्ट्रक्चर हो जाता है। और इसी के आगे हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम होता है बेटा आयरिस। ठीक, ये क्या है आयरिस। ठीक, पीछे की 2/3 थिक होती है, एंटीरियरली 1/3 थिन होती है, थिन लेयर। और ये आयरिस होता है, आयरिस का फंक्शन क्या था, पिगमेंटेशन प्रोवाइड करना। ये पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, हमारी आंखों का कलर बताता है। और जो प्यूपिल थी अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट कर रही थी। अब यहीं पे सीलियरी बॉडी होती है, सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल जो होती है ये कनेक्ट करती है किसको, लेंस को। अब ये लेंस जो होता है बाई कॉन्वेक्स नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ये भी जो है ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में दो ही हैं, एक कॉर्निया होता है दूसरा लेंस। ये ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, कॉर्निया भी आउटर मोस्ट होती है, ये क्या करती है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेके अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करती है। लेंस को न्यूट्रिशन, क्योंकि इसी सीलियरी बॉडी से फॉर्मेशन होता है एक्वस ह्यूमर का। अगर एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक्वस ह्यूमर चलता हुआ पीपल से एंटीरियर चैम्बर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सिलियरी बॉडी होती है, ये जो लेंस को मसल पकड़े हुई होती है यानी अटैच होती है इसका नाम होता है बेटा हम लोग कहें जोन्यूलर ऑफ जिन। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, जोन्यूलर ऑफ जिन बोलते हैं यही जोन्यूल्स। क्योंकि होता क्या है कि जब हमको ओवरऑल हमारी जो आई होती है इसका जो पावर होता है वो 60 डायोप्टर होता है। 60 डायोप्टर इस कॉर्निया का
कॉर्निया जो होती है ये 44 टू 45 डायोप्टर प्लस लेंस का जो पावर होता है वो लेंस का पावर होता है 14 टू 16 डायोप्टर। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 60 डायोप्टर जो है हमारी ओवरऑल आई का पावर होता है, ठीक है, जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है जो है 44 टू 45 कॉर्निया एंड 16 टू 14 किसका होता है बेटा, लेंस का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अटैच होते हैं जोनियुल्स ऑफ जिन और सिलेरी बॉडी से, तो होता क्या है कि जब हमें पास देखना है ठीक और दूर देखना है तो हमारी सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक। अब यही सिलेरी मसल अगर वीक हो जाए तो हमें विज़न में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि हमारा लेंस फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। अगर लेंस फंक्शन नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है, और ये भी देखो कितना बेहतरीन जो है नेचर ने बनाया था कि हम अगर पास देख रहे हैं और सडनली हम दूर देख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं होता है कि दो मिनट बाद दिखाई दे या 30 सेकेंड बाद दिखाई दे। ये इतना फास्ट रिएक्शन होती है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है जो है कि पूछिए मत। और यहीं पीछे यहाँ से रेटिना, ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ऑप्टिक नर्व ब्लड वेसल्स से इंटर करती हैं और यहीं पे थिंड आउट पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोविया, ठीक है, जिसको हम लोग अभी फोविया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता है बेटा ब्लाइंड स्पॉट, क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, जहाँ पे दिखाई बहुत ब्लाइंड स्पॉट जो होता है यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे कोई भी रॉड एंड कॉन्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे रेटिना एब्सेंट होती है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जाएँ जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर में तो एक होता है फोविया, ठीक, एक होता है मैकुला, ये अगर हम लोग देखें इसका नाम होता है बेटा मैकुला, मैकुला के अंदर हमें दिखता है फोविया, फोविया के अंदर जाएं हम तो दिखता है हमें फोवियोला, फोवियोला जो मैकुला होता है ये 5.5 mm और जो फोविया होता है 1.5 mm। यहाँ पे फोविया में क्या होता है, ओनली कौन पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोविया में सिर्फ और सिर्फ कौन पाई जाती है, रॉड एब्सेंट होती है, हाईली थिक्ड होती है, यहाँ पे हाईली डेवलप्ड होती है कौन, रॉड एब्सेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है क्या फोवियोला, ठीक है, शार्पेस्ट विजन होता है, मैक्सिमम डेवलप होता है ये ह्यूमन में और वेल्चर में भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी का होता है, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पे ये जो लेंस है, लेंस को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एक्स ह्यूमर से मिलता है, ठीक, और यहाँ पे कॉर्निया थी, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक, उसके अंदर लेंस है, लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ओल्ड स्टेज होती है तो ओल्ड स्टेज में इसका कलर चेंज होता रहता है, ओल्ड स्टेज में इसका कलर चेंज होता है। और बहुत सारी जो है अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ से आती है, इंटर करती हैं तो इसी लेंस के अंदर ओपेसिटी डेवलप होने लगती है। ओपेसिटी जब डेवलप होती है और इसके नेचुरल यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है जो है वाटर का, ठीक है, तो यहाँ पे इंसान को दिखना बंद हो जाता है, बंद का मतलब थोड़ा सा डिक्रीज विज़न हो जाता है, ठीक है। जब विज़न कम हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनको ये पूरा कंप्लीट ओपेसिफिकेशन हो जाता है, यानी लेंस की जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स थी वो लॉस हो जाती है। जब ओपेसिफिकेशन हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट हो गया है, ठीक। कैटरैक्ट मोस्टली जो होता है वो ओल्ड स्टेज में होता है, ठीक, या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अल्ट्रावायलेट रेज का तो वो इसकी एनाटॉमी जो है चेंज कर देती है, यानी इसकी जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक।
ठीक है, अब अलग अलग टाइप की कैटरैक्ट्स होती हैं, इनकी स्टेजेस होती हैं। एक्वायर्ड कैटरैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन, सेनाइल कैटरैक्ट, एक्वायर्ड कैटरैक्ट में भी सेनाइल कैटरैक्ट, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उसके डिटेल में हम तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसको लेंस को निकाल देते हैं। दो ही ऑपरेशन होता है, एक स्मॉल इंसीजन कैटरैक्ट सर्जरी होती है जिसमें हम लोग 6 mm का इंसीजन देते हैं, और एक फेको इमल्सिफिकेशन होता है जिसको हम लोग 3 mm का इंसीजन देते हैं। पहले क्या था कि हम लोग इंसीजन बहुत बड़ा बड़ा लगा देते, लेकिन अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमें 3 mm का इंसीजन दे के हम लोग इस लेंस को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, फिर नया लेंस हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और ये पैटेलर फोसा में सिचुएटेड होता है लेंस, तो पैटेलर फोसा में वो जाके ओपन हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको दवा देंगे, कौन सी जो है कॉन्स्ट्रिक्शन वाली देंगे ताकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो और ये अपनी पोजिशन पर अगुपाई कर ले। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो है अगले टॉपिक की, तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्चर होता है, रॉड एंड कोन्स पाई जाती हैं। आप लोगों को पता होगा, रॉड रात में देखती है, कोन दिन में देखने का काम करती है। रॉड और कोन होती हैं रात से रात, रात से रॉड, रॉड जो होती हैं दिन में नहीं बल्कि रात में देखने का काम करती हैं, और कोन जो होती हैं वो दिन में देखने का काम करती हैं। 3 कलर होते हैं जो हमारे, ग्रीन, ब्लू, रेड, हम लोग परसेप्शन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ख़ास बात होती है जो है रॉड में रोडोप्सिन प्रोटीन होती है, विजुअल पर्पल, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस होने लगता है, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, एक ख़ास बात बताना भूल गए, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यह है सिलियरी मसल, ठीक, इससे हमारा लेंस जो है कनेक्ट है। ये कॉर्निया है और ये लेंस है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पे पाया जाता है विट्रस ह्यूमर। ठीक, अब एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर चैम्बर, अगर देखें हम लोग एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर की बाउंड्री क्या होती है, बैक साइड ऑफ द कॉर्निया एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर, इसमें क्या होगा, एक्वस ह्यूमर। अब इसमें देखते हैं बैक साइड ऑफ द लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेटिना, क्योंकि ये रेटिना की एंटीरियर लेयर है। ठीक, इसके बीच में जो होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होता है ये 99.9% लिक्विड होता है, 0.1% इसमें सब मिक्सचर होते हैं, और स्ट्रक्चर ये जो होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब पाए जाते हैं, और हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, और अगर हम लोग रेटिना में जाएँ तो रेटिना की 3 लेयर होती है, पिगमेंट एपिथेलियम, रॉड एंड कोन्स, इंटरनल लिमिटिंग, आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, बहुत सारी लेयर हैं, वो हम बताने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो सब आएगा नहीं आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, तो कोन वाला पॉइंट आप याद रखिए, फोबिया वाला पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ पे डेंसली पैक्ड होती हैं कोन और रॉड एब्सेंट होती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक, अब उसके बाद जो है कुछ ख़ास बात आप लोगों को हम बताएं। ठीक है, आई में, अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है मायोपिया हो जाता है कुछ लोगों में, कुछ लोगों को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। अगर ये रेटिना है, रेटिना से पहले इमेज बनने लगती है तो हम लोग बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्केव लेंस। ठीक, होती है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और जो है आई से इतना ही क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको याद दिला देते हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा जो है
जैसे वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था कि फोविया में क्या होता है, ठीक, और रेटिनल होता है या रेटिनॉल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रेटिनल या रेटिनॉल, रेटिनल इज़ अ एल्डिहाइड, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड विटामिन ए, और रेटिनॉल जो होता है अल्कोहल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जो है ये आप ध्यान रखिएगा जो है, और जो है बस इतना ही। थैंक यू, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और तैयारी बहुत जोर शोर से करिए, और इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट में आना ना भूलिए। थैंक यू।